साइलेज का इस्तेमाल। यूँ तो साइलेज तैयार होने में 40 दिन लगते हैं, जिसके बाद ये जानवरों को खिलाया जाता है, लेकिन बाज़ार से कुछ ऐसे अमेज़े मिलते हैं जो इसकी तैयारी के अमल को तेज़ कर देते हैं, जिससे इसका मियार बेहतर और इस्तेमाल की मुद्दत बढ़ जाती है। साइलेज को एक तरफ से खोलना चाहिए। साइलेज को हसब ज़रूरत इस्तेमाल के बाद फौरी ढाँप दिया जाए ताकि इसके अंदर टॉक्सन ना लगे। आपने देखा किस तरह साइलेज के ज़रिए आप अपने जानवरों को सारा साल सब्ज़ चारा मुहैया कर सकते हैं। यकीन करें कि मवेशी को मुतवाजन खुराक पर मुश्तमिल ये चारा बिला रुकावट अगर सारा साल मिले तो आपके लिए दूध की बेहतर पैदावार और इससे हासिल होने वाली बेहतरीन नफ़ा में बदल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मुकद्दस अली शाह और आप मेरा यूट्यूब चैनल मुकद्दस किड्स क्लब देख रहे हैं। आज हम आपको दिखाते हैं साइलेज इस्तेमाल करने के बाद इसे कवर कैसे करते हैं और इसे फिर इस्तेमाल किस तरह करना है। अगर आपको आपके पास ज़्यादा मकदार में ये बड़ी देखने बड़ी जगह में अगर पड़ा है तो आपने इसे रोज़ाना के बेस पर इस्तेमाल कैसे करना है। लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और पूछ रहे थे कि जी हम बनाते हैं और उसमें एफ्लाटॉक्सिन वगैरह लग जाता है, फफूंदी लग जाती है। देखें जी आपके सामने माशाल्लाह बहुत प्यारी तरतीब में कटा हुआ है और इस्तेमाल करें, कोई ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ हुआ। ये देखें जी, कल हमने वहाँ से उठाया था और आज हम यहाँ से इस साइड से काटेंगे। ये देखें जी, इसका ये तरीका होता है कि तरतीब वाइज जो है ना आपने इसे काट लो। होते हैं चलें जी काटें। हमारे पास रात से बारिश हो रही है, पतली सी लेयर में इसे काटना होता है और साथ साथ अब ये आगे की तरफ काटते जाएंगे। जितनी मकदार में आपको चाहिए उस हिसाब से ये काट के, हमने आज 10-12 गट्ठे निकालनी हैं तो ये वो दीवार तक। ये देखें जी, कल इससे आगे वाले हिस्से की बारी है, कल वहाँ से उतारेंगे। एक लेयर की शेप में ये उतारना होता है और उसके बाद ताकि आपका जो है ना ये ना हो, आप एक जगह से उतारते रहे और उस जगह बाकी जो पीछे वाली साइड है वो खड़ी रहे। इसका ये तरीका होगा कि कल आप उस साइड से शुरू करेंगे और फिर इसी तरह आहिस्ता 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 आगे 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 चलते रहेंगे, फिर नेक्स्ट डे अगली साइड पे चले जाएंगे, फिर ये ख़राब नहीं होता। अगर एक जगह से खाते रहेंगे और दूसरी साइड खड़ी रहेगी तो फिर यहाँ पे टॉक्सन लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखें जी, ये दरमियान में हम फेंक रहे हैं, ये अब जो चारा दरमियान में पड़ा है ये कल के लिए काफ़ी है। अभी भी इसे साथ थोड़ा थोड़ा लगा देंगे, बाकी कुछ रात को लगाएंगे, कुछ सुबह लगाएंगे। इस तरह ये जो है ना 12 घंटे के लिए हमारे पास चारा दरमियान में सेव हो गया। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और साइलेज से मुतल्लिका किसी तरह की मालूमात चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।